गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज मैं सुबह 5:15 बजे उठी थी। उठ के 2 घंटे अपना एडिटिंग का काम किया, उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ ये देखिए सब्जी मंडी, क्योंकि घर में सारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं। भैया 2 किलो निकाल दीजिए, बढ़िया बढ़िया। पहले एक देना, चक के तो देख लूँ पहले। इधर से मैं चीकू खरीद रही हूँ 50 रुपए किलो। भैया 1 किलो कर दीजिए, साफ साफ निकालना। अच्छा अच्छा सा ये लीजिए 50 रुपए। इसमें रख देते आ जाएगा। भैया इसमें से किलो निकाल दीजिए, ये वाला अंगूर मैं किलो ले रही हूँ। हाँ ये वाला अच्छा सा निकालना, साफ सा वो वाला उसमें से निकाल दो ना, वो वाला जो है ये वाला। हाँ इसमें से, पता नहीं या तो मेरे मुंह का टेस्ट इतना खराब हो रखा है सुबह सुबह, मीन्स मुझे ना अंगूर का टेस्ट मीठे मीठा नहीं लग रहा, मुझे खारा खारा लग रहा है। मैंने 2-3 जगह ट्राई कर लिया, इसीलिए मैंने फिर किलो ही लिया। मैं कहा दूसरे टाइप वाला लेते हैं, एक जो लंबे वाला होता है ना अंगूर। भैया सेब 180 ओके। आप 2 किलो निकाल दीजिए। हाँ 2 किलो सेब। इधर से 360 रुपए के 2 किलो मैंने सेब ले लिए हैं। 180 बताया है भैया ने रेट, लास्ट टाइम भी लेकर गई थी, यही रेट चल रहा है। ये लीजिए इसमें से काट लीजिए। इनसे केले पूछते हैं, आप मुझे इस वाले में से ना अच्छा अच्छा जो ऐसा ना हो कि कल ही खराब हो जाए, 2 दिन कम से कम चले, 2-3 दिन मुझे ना 6 ही केले देना बस, खराब हो जाते हैं, ज्यादा लेके नहीं जाती मैं केले, 6 ही निकालना। ये तो हरे हरे से लग रहे हैं भैया, थोड़ा सा ही हो ना, ठीक ठाक हो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी हरा है भैया, कच्चा मिलेगा? कच्चा नहीं है ठीक तैयार है। तो इधर मैंने सेब केले, उधर पीछे आ गए हैं चीकू और अंगूर, अब क्या रह गया। इसमें से किलो अमरूद निकाल दीजिए, ये 40 रुपए किलो बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा सा निकालना। तो इधर मैं 1 किलो अंगूर भी ले रही हूँ, ये दूसरे वाला है जो बता रही थी ना मैं, एक दोनों टाइप के मैंने 1-1 किलो ले लिए हैं। तो यहाँ से मैंने अमरूद लिए हैं और अंगूर भी लेने लग रही हूँ। ये लीजिए पैसे, 110 हो गए ना, 110 है गए, 70-40 110 अंगूर है। तो इधर से मैं संतरा, कैमरे पे देख के कर रही हूँ ना, तो इधर से मैं संतरा लेने लग रही हूँ। 2 किलो लूंगी, 70 रुपए का है, तो इसका मतलब 140 रुपए का संतरा खरीद रही हूँ मैं। ऑरेंज किन्नू नहीं खरीद रही हूँ, संतरा खरीद रही हूँ। किन्नू तो सस्ते है, वो डार्क ऑरेंज होते हैं, ये ग्रीन और ये येलो होते हैं। 2 किलो कर दो, बढ़िया बढ़िया निकालना। अच्छा अच्छा सा, और स्ट्रॉबेरी भी दिखा दो, बढ़िया सी स्ट्रॉबेरी। हाँ अच्छी होनी चाहिए, ताजी है, अभी आई है। दिखाना डब्बा, एक मिनट एक ही दिखाओ पहले तो। 2 किलो हाँ हाँ 2 किलो अच्छा सा निकाल देना, बढ़िया बंद प्लेट में दे जाओ। अच्छा और दिखाना पैकेट स्ट्रॉबेरी का, थोड़ा ऐसा हो जैसे इसमें ये है ना, ये वाली हरी हरी ना हो थोड़ी सी, तो ऐसी हो, एक पैकेट तो ऐसा हो बिल्कुल खाने लायक हो आज ही। दिखाना ज्यादा बेची नहीं, ये तो एक घंटे में हो जाते हैं ये तो। चलो वही दे दो, इससे तो अच्छा ये वाला पैकेट है। नहीं एक ही दे दो पैकेट मुझे स्ट्रॉबेरी का, खराब हो जाती है दूसरे दिन, चलती तो नहीं, एक ही लेती हूँ इसीलिए। इधर देखिए अच्छे अच्छे से मैं संतरे ले रही हूँ, ये निकाल रहे हैं अंकल। मीठा है ना? हाँ ठीक है। भैया कह रहे 10 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, आप 3 किलो ले लो, मतलब 70 रुपए है ना, तो 210 की जगह 200 लगा देंगे। मैंने कहा कर दो, खराब नहीं।
तो नहीं होंगे ना भैया, 3-4 दिन चल जाएंगे। हाँ ऐसा ही दे देना जो खराब ना हो थोड़ा सा, बिल्कुल तैयार मत देना फिर। एक ही मैंने स्ट्रॉबेरी का ले लिया, एक ही लिया पैकेट। आ जाएगी इधर आगे, इधर एक पैसे काट लीजिए, इधर ही लगाना पड़ेगा एडजस्ट, तो इसमें ही आएगा मेरा सारा सामान ना। ये देखो इसमें 1, 2, 3, 4 इसको साइड में करके ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है इसके अंदर ही आगे की तरफ। तो इसीलिए तभी तो मैंने ये वाली बाइक ली, इसमें इसे सामान लाना ले जाना आसान हो जाता है। थैंक यू। 210 ठीक है हो गया। खांसी आ रही है मुझे। पपीता और देख लेते हैं, सामने मिल रहा है ना, ये देखो पूछते हैं इनसे। भैया पपीता 50 कोई छोटा सा निकालना अंकल, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि एक बार ना कटने के बाद ना ये फिर दूसरे दिन खाया नहीं जाता, क्योंकि फ्रिज में रखो फिर टेस्ट खराब हो जाता है। और इतने लोग नहीं है, हम लोग विहान और मैं ही खा सकते हैं सिर्फ। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कोई और दिखा निकालो। इसमें सफेद सफेद हो रहा है। हाँ नहीं ये ना हम कल तक खाएंगे, दूसरा दे दो, थोड़ा ये तो बिल्कुल तैयार है, अब दूसरा दो, ये तो बिल्कुल तैयार दे रहे हो आप मुझे खाना। ठीक है ना ये तैयार है, हाँ चलो ये वाला दे दो आप। आज की डेट में ये पपीता खत्म करना पड़ेगा वरना कल तक ना खराब होने लग जाएगा। टाइम देखती हूँ, 8 बजे विहान की दवाई का टाइम हो जाता है। अभी 7:45 हुए हैं, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी घर तक, यहाँ से निकल जाऊँगी। कितने हुए इसके? 70 रुपए। इसको भी दरी लगा देते हैं, देखो 70 रुपए हो गए, 50, 60, 70 ये लीजिए। आई थिंक इतने फ्रूट्स तो काफी है, चल जाएंगे अभी कुछ दिन तो। बाकी पाइनएप्पल मैं लेती इसलिए नहीं, पता नहीं मेरे को अंदर से अच्छा ही नहीं लगता, पाइनएप्पल खाना ही पसंद नहीं है। और बेटा मैं आपके लिए देखो क्या क्या लेकर आई हूँ विहान के लिए, ये देखो, सॉरी लाइट चली गई अभी यहाँ की। विहान देखो क्या क्या है, नाम बताओ। मुझे तो सारी चीजें चाहिए। ये रही सारी चीजें, देखो आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी तो लाई हूँ, ये देखो विहान स्ट्रॉबेरी भी लाई हूँ आपके लिए, केले भी लाई हूँ, चीकू भी लाई हूँ, इसके अलावा ये देखो अमरूद भी लाई हूँ, ये एप्पल भी लाई हूँ। ये तो मैं हाँ संतरे है, ये तो संतरे है। और ये देखो ये ग्रेप्स भी लाई हूँ, ये संतरे हैं आपके लिए, दूसरे ये देखो ये इस टाइप के ग्रेप्स हैं, ये दूसरे टाइप के, दोनों टाइप के ले आई हूँ। और पपीता भी लाई हूँ, चीकू लाई हूँ। बताओ क्या खाओगे सुबह नाश्ते में, क्या खाओगे? ये खाओगे, स्ट्रॉबेरी खानी है। अच्छा दोबारा से बताओ, अब बताओ क्या खाओगे सारी चीज़ों में से, बताओ कोई एक चीज़ बताओ। देखते हैं विहान का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, उठा लो जो खाना है। अमरूद अच्छा लगता है आपको? हाँ। मुझे पता है आपको खिलाया था अमरूद, है ना बेटा जी? दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है विहान? इधर हो रहा है। इधर कहाँ? इधर इसमें कुनी पे। हाँ। सीधी करो हो रही है सीधी? हाँ। इस कुनी के बल सो गए होंगे रात को आप, है ना, इस कुनी पे जोर पड़ गया होगा। हाथ ऊपर करो, ऐसे ऊपर करो, हो रहा है ऊपर, और ऊपर करो हो रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, व्यान का हाथ तो बिल्कुल ठीक है ना बाबू। बहुत सारी तो ले आई बेटा, आपने यही तो मंगवाया था। क्या ये क्या है? आपने फ्रूट मंगवाए थे ना, फ्रूट लाने थे। क्या फ्रूट? तो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छा ग्रेप्स भी ले आई, आपने कहा था ना ग्रेप्स लाने हैं।
मम्मा मुझे तो अच्छे नहीं पहने कपड़े। गुड मॉर्निंग विहान, देखो लाइट भी आ गई, ये लाइट आ गई आ गई आ गई हमारे घर में। यहाँ पे इन्वर्टर की बैटरी में दिक्कत आ रखी है, इसलिए ये इश्यू है। और आज ही सोचा था अपनी किचन शुरू करूंगी यहाँ पे, लेकिन गड़बड़ हो गई है। उस घर का गैस, मम्मी कह रहे सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो मेरे को ये वाला सिलेंडर उस घर में देना पड़ेगा मम्मी को। मैं भरवाऊंगी, फिर फोन करूंगी 2-3 दिन में। मेरे दो सिलेंडर खाली हो रखे हैं दोनों, भरवाऊंगी, उसके बाद किचन स्टार्ट हो पाएगी। बस ये पपीता तो नहीं आया, बाकी ये देखो मैंने ये वाली लाई थी ना, ये ट्रॉली, इसमें मेरे सारे फ्रूट्स बाकी यहाँ लगा दिए मैंने इसमें। और हाँ ये बात बताना भूल गई, मैंने ये वाली अंदर कर दी थी, जहाँ पे 2 सोफे थे ना, आपको मैंने बताना ही भूल गई, कल किया था रात को। और ये देखो ये वाले मैंने बाहर कर दिए, क्योंकि इनमें स्मेल आ रही थी, मैंने बताया ना इनको बहुत अच्छे से साफ करूंगी, उसके बाद बाहर ही छोड़ दिया मैंने, यहीं पे ठीक है। ये वाले इधर बैठने का कर दिया मैंने इनका, सोफों का। और अंदर मैंने ये दूसरे वाले लकड़ी वाले कर दिए, मैंने कहा ये सही रहेगी, सेटिंग चेंज करी थोड़ी सी, क्योंकि अब इनकी ना उसको ढंग से साफ नहीं हुए थे वो। और हमेशा खरीदो ना सोफे इसी टाइप के खरीदने चाहिए, लकड़ी के, इनको चूहे नुकसान नहीं पहुंचाते। ये वाले जो सोफे दिखने में अच्छे लगते हैं, बट चूहे ना इनके अंदर घुस जाते हैं, नुकसान बहुत कर देते हैं इस तरीके के सोफों का। हाँ विहान चप्पल पहनो बेटा, जूते पहन लो अपने, जूते पहनो बेटा, वो रे जूते वो रे पहन लो बेटा, वो गीले हैं, सूखे नहीं है, गीले हैं। ये जूते पहनो पहले आप। टंगे 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 कैसे करते हैं, करके दिखा, इधर खड़े होके करके दिखा, इधर सामने, इधर सामने करो, मोए 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 कैसे करते हैं, मोए मोए देखो जी। और टंगे 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 करो, मोए मोए। अभी फिर से रजाई में घुस गई हूँ, आज मैं सुबह 5:15 बजे उठ गई थी, इतनी जल्दी, मैं मीन्स 5 बजे उठ गई। उठने के बाद मैं 10-15 मिनट तो ऐसे ही लेटी रही, उसके बाद मैं 5:15 बजे एग्जैक्टली एडिटिंग करने लग गई थी। एक प्रमोशन की वीडियो थी मेरी, शूट मैंने कल करी थी जब विहान ट्यूशन गया हुआ था। आज फिर सुबह उठ के मैंने कम से कम 1.5 घंटा तो उस वीडियो की एडिटिंग में लग गया मुझे। उसके बाद फिर फटाफट निकली, मार्केट गई, बाजार के काम देख लो आपके सामने कर लिए। अब सुबह सुबह ना मेरा फल फ्रूट खाने का जी नहीं करता, मैं दिन में खा लेती हूँ, जैसे 10-11-12 बजे घूमते फिरते, जैसे मैं ऐसे नहीं खाती। मैं पता क्या होता है, विहान को खिलाने लगती हूँ ना, तो वो जो छोड़ देता है या थोड़ा बहुत, उसके साथ घूमते फिरते खा लेती हूँ मैं। और मेरा बच्चा ना देखिए रोटी ज्यादा खाता नहीं है, लेकिन वो फ्रूट खुश होके खा लेता है, जैसे केला खा लेगा, जैसे मान लो पूरे दिन में उसने एक बनाना खा लिया, एक कटोरी अंगूर भी खा लिया, स्ट्रॉबेरी खा ली, जैसे थोड़ा सा पपीता खिला दिया बच्चे को, या एक दो चीकू खिला दिया, तो उससे मेरे को ये रहता है कि चलो अन रोटी नहीं भी खा रहा इतनी, तो कम से कम फल फ्रूट भी खाता रहे। तो और फिर वैसे भी टिफिन में भी विहान के मुझे ना फल फ्रूट ही देना होता है, क्योंकि फिर ये रोटी वापस ले आता है। बाकी ना बता, विहान ना मेरे हाथ से खाना नहीं खाता, बट ऊपर वाली विहान की आंटी है, उनके हाथ से रोटी भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है, सब कुछ खा लेता है, पर मेरे हाथ से नहीं खाता है। तो इसीलिए अब ना ऊपर भेज देती हूँ इसको, वहां पे गुड़िया है ना, दोनों बच्चे मिलके वो खिला देती हैं, मतलब जो गुड़िया की मम्मी है ना, वो विहान को जैसे दूध तो डेली वो ही अपने हाथ से पिलाती हैं विहान को, मेरे हाथ से नहीं पीता दूध, ये गिलास में पी लेता है, वो पिलाती हैं बैठ के इसको एक गिलास, रात को मैं उनके घर ले जाती हूँ दूध पिलाने, विहान को आराम से पी लेता है, 7-8 दिन 1 हफ्ता हो गया, रोटी भी खा लेता है उनके घर बैठ के, तो बस मेरे हाथ से नहीं लेता। मुझे कोई कहता है कि आपकी नज़र लगी हुई है बच्चे को, कई बार होता है माँ की नज़र लग जाए, मेरे हाथ से कुछ नहीं खाता पीता, दूसरे के हाथ से खा पी लेता है, कई बार बच्चे ऐसे बाकी करते भी हैं। और आज से मेरी देखियो 15 दिन की वेट लॉस जर्नी शुरू हो गई है, इसीलिए तो आज सुबह जल्दी उठी थी, ताकि मुझे अपनी वेट लॉस के लिए भी मुझे टाइम मिले। अदरवाइज अगर मैं लेट उठती हूँ ना, तो फिर मेरा खाली यूट्यूब का काम हो पाता है, और कुछ अपने ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाती। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि ये 15 दिन मैं जिम जाऊं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी शुरू करूं अपनी रेगुलर। तो सोचा तो था मैं सुबह सुबह जाऊंगी आज से जिम, अर्ली मॉर्निंग करा करूंगी, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ, क्योंकि विहान का ऐसा है ना कि वो अब मम्मी मम्मी बैठ भी जाए विहान के साथ, लेकिन वो रो पड़ेगा, मेरे को नहीं देखता तो वो रोने लग जाता है, फिर मेरी मम्मी मुझे गुस्सा करेंगे, बोलेंगे तू छोड़ के ही ना जाया कर विहान को। इसीलिए मेरे पास वही टाइम बचता है विहान को, या तो मैं साथ ही लेकर चली जाऊं जिम, ऐसा ही कर सकती हूँ,
सोच तो रही हूँ अभी थोड़ी देर में जिम चली जाऊँ मैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करूँ, इस विहान को वहीं बैठा लूंगी, फिर पार्क में कुछ खिला लाऊंगी, मतलब मन कर लूंगी किसी तरीके से मैनेज। मैंने पता क्या रूटीन बनाया कि मुझे इस इन 15 दिनों में ना मुझे 3 किलो वजन कम करना है। अभी मेरा वजन मैंने आज सुबह चेक नहीं किया, बट मेरा कल चेक किया था 72.2 इसी तरीके से था, तो 3 किलो मतलब 69 की लाइन में लेके आना है 3 किलो कम करके, तो मेरे को ना अच्छा लगेगा। मतलब ये 7 से कम 6 की लाइन में पहुंचना है मुझे, उसके बाद धीरे धीरे कर लूंगी, क्योंकि अब देखो सर्दियों में तो नहीं हो पाता कम, लेकिन गर्मियों में आप कर सकते हो। और फिर अब मुझे कमेंट करने वाले कहेंगे ना कि आप पहले भी कहते थे आपका कम नहीं होता, देखो मैंने 2 किलो कम कर चुकी हूँ, मेरा 74 किलो वजन था, अभी 72 है, तो मैं कर लूंगी धीरे धीरे, मुझे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, और वो एफर्ट्स मुझे पता है कि मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ, जितना मुझसे कोशिश हो पा रही है मैं वो कर रही हूँ अपने लिए। और बाकी मम्मी, अब मैंने इस घर में भी देखो रसोई सेटअप करनी थी आज, लेकिन वो सिलेंडर वाली प्रॉब्लम हो गई, गलती तो मेरी है इसमें, मैं इसमें और किसका कसूर निकालूं, मेरे को टाइम से सिलेंडर भरवा देने चाहिए थे, जब रखा था खाली सिलेंडर, बिल्कुल ही जब खाली हो जाता है ना तब मेरे को ध्यान आता है कि मुझे सिलेंडर चाहिए, बल्कि 2 सिलेंडर है मेरे पास, ये नहीं कि एक भरवा के रख दूं जब जरूरत हो तब नहीं, लेकिन जब दोनों खाली हो जाते हैं ना तब मेरा दिमाग चलता है हाँ मुझे सिलेंडर भरवाने हैं, तो बस सिलेंडर भरवा दूंगी। उसके बाद अभी थोड़ी सी देर लेटी थी, बस 5-7 मिनट, मैं कहा आपसे बात कर लेती हूँ, फिर ये वीडियो मेरा चला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और जब तक मेरा देखिए, मैं कुछ भी अगर सोचती हूँ ना कि मुझे करना है तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा उस चीज में रहेंगे। बल्कि मैं कर रही थी, मैं वेट लॉस जर्नी मेरी बहुत सही जा रही थी, मैंने शुरू जब करी थी इस बार, बीच में जब मैं वहां चली गई ना नजफगढ़, उसके बाद वो मेरा काम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, आप जानते ही हो बहुत ज्यादा। लेकिन आप ये सोचिए इतना डिस्टर्बिंग टाइम था मेरी लाइफ का भी, पिछले 1 हफ्ते पहले का, 10-12 दिन पुराना, लेकिन मैंने उस टाइम में भी मीठा नहीं खाया, सोचो मैंने, मतलब मैं कितनी मतलब स्वीट्स खाती थी, लेकिन मेरे घर में भर भर के चॉकलेट्स रखी हुई हैं, इस टाइम भी इतनी सारी टॉफियां रखी हैं, चॉकलेट स्वीट्स की इतनी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी कल तो मेरे को ऐसा हो रहा था मैं खा ही लूंगी, और मतलब पूरा 100% मन में था कि हाँ अब तो खाना है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं खाया मीठा, मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ रखा है पिछले 10-15 दिन से, तभी मेरा 2 किलो वजन कम हुआ है, सिर्फ स्वीट्स कम किया है, बाकी फास्ट फूड आपके सामने है मैं खा लेती हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अब इन 15 दिनों में और कोशिश करूंगी कि मैं अपना डाइट को इम्प्रूव कर सकूं, और ये तो मतलब कोशिश तो है कि बाहर का खाना ना खाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि बाहर का भी खा रही हूं खाना तो हेल्दी खाना खाऊं बाहर भी अगर खा रही हूं तो। ठीक है जी, चलिए जी, अच्छी सी सुबह हो आपकी, मेरे आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।